नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा न्यू BSS मॉडल टाटा सफारी ST जो प्लस है और ये AC सीरीज सवारियों सब मिलाकर लगभग 21,53,245 रुपये पड़ जाती है। दोस्तों, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन दबाएं। बेल बटन से जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को हमेशा मिलती रही। दोस्तों, मेरा एक और चैनल है जो मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको भी सब्सक्राइब कर दें। और ये BSS मॉडल टाटा सफारी काफ़ी शानदार है और काफ़ी बड़े फीचर इसमें मिल जाते हैं और काफ़ी शानदार है। और ये है 1956 cc की और अधिकतम पावर इसमें 167.62 BHP और 3750 RPM मिल जाती है और अधिकतम ताकत इसमें 350 Nm और 1750 से लेकर 2500 RPM मिल जाती है। सिलेंडर की संख्या 4 मिल जाती है, वर्ल्ड प्रति सिलेंडर की संख्या 4 मिल जाती है। टर्बो चार्जर मिल जाता है, ट्रांसमिशन का प्रकार मैनुअल मिल जाता है। गियर बॉक्स 6 की है ये और सामने ऊपर बात करें तो टाटा का लोगो मिल जाता है। दो वाइपर मिल जाते हैं, वॉशर मिल जाता है, ग्रिल काफ़ी शानदार मिल जाती है सामने की और वहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाता है। हेडलैम्प मिल जाता है, इंजिलेटर के लिए मिल जाता है और फॉग लैम्प मिल जाता है और सामने डिस्क ब्रेक मिल जाता है, पीछे भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है। सामने फ्रंट टायर की बात करें तो 235/60 R18 मिल जाता है और रियल का भी 235/60 R18 मिल जाता है। टायर की साइज सेम ही रहती है, डीजल में है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी में आप 50 लीटर फ्यूल भर सकते हैं। ये 12 से 15 किलोमीटर प्रति एयरवे दे सकती है ये और इसकी लंबाई की बात करें तो 4661 mm मिल जाती है और चौड़ाई इसकी 1894 mm मिल जाती है और ऊंचाई इसकी 1786 mm मिल जाती है और बूट स्पेस इसमें 73 लीटर मिल जाता है और 5 सीटर की है ये। व्हील बेस इसमें 2747 mm मिल जाता है, काउंट वेट 1825 mm मिल जाता है, दौड़ की संख्या इसमें 5 मिल जाती है और अंदर साइड बात करें तो पावर स्टेयरिंग मिल जाती है, पावर विंडो फ्रंट मिल जाता है, एयर कंडीशन मिल जाता है, हीटर मिल जाता है, स्टेयरिंग पास टाटा का लोगो मिल जाता है, हॉर्न के लिए मिल जाता है, हेडलैम्प के लिए मिल जाता है, फॉग लैम्प के लिए भी मिल जाता है और इंजिलेटर के लिए मिल जाता है, वाइपर के लिए, वॉशर के लिए पूरे कंट्रोल स्विच वहाँ पर मिल जाती हैं और ड्राइवर सीट ड्राइवर एडवेट मिल जाता है, पैसेंजर एडवेट मिल जाता है। ड्राइवर सीट विंडोज में पूरे कंट्रोल स्विच मिल जाते हैं ग्लास अप डाउन करने के लिए और लॉक अनलॉक की स्विच मिल जाती है और 1 लीटर वाटर होल्डर मिल जाता है और पार्किंग सेंसर पीछे मिल जाता है और वहाँ पे स्क्रीन काफ़ी शानदार मिल जाती है, टच में स्क्रीन मिल जाती है, AC सिस्टम के लिए मिल जाता है और USB चार्जर मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है और गियर के बॉक्स के पास वाटर होल्डर मिल जाता है और वहाँ पे काफ़ी शानदार और स्पेस मिल जाती है और कुछ सामान रख सकते हैं और USB आगे पीछे दोनों मिल जाती है और सील बेल्ट मिल जाता है और काफ़ी शानदार सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती है। पीछे सीट बात करें तो AC सिस्टम मिल जाता है और USB चार्जर मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है, इसमें आप USB इनपुट करवा सकते हैं, USB चार्जर मिल जाता है, आप USB इनपुट करवा सकते हैं 12 वोल्ट के चार्जर में और सीट काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती है और फॉग लाइट पीछे नहीं मिल पाती, सिर्फ आगे ही मिल पाती है और पावर एंटीना मिल जाते हैं ऊपर साइड, सनरूफ मिल जाता है, मून रूफ भी मिल जाता है, रूफ कैरियर नहीं मिल पाता इसमें और क्रोम मिल जाता है इसमें और रूफ रेल मिल जाता है और पीछे साइड बात करें तो टाटा का लोगो मिल जाता है, सफारी की बेजी मिल जाती है और ST प्लस की बेजी मिल जाती है, पार्किंग सेंसर मिल जाता है और कैमरा मिल जाता है और एक वाइपर मिल जाता है, वॉशर मिल जाता है, टेल लाइट मिल जाती है, इंजिलेटर के लिए मिल जाती है और काफ़ी शानदार दिखाई देती है आगे पीछे दोनों से। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।